अयोध्या के बीकापुर ब्लॉक के रामपुर भगन स्थित सोनखरी ग्राम सभा के ग्लोबल इंटर कॉलेज में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सामाजिक संस्था फलाहुल मुस्लिम व जमीयत ए उलमा ए हिंद के नेतृत्व में इस्लाम और इंसानियत एवं कंबल वितरण समारोह का आयोजन किया गया। पिछले कई वर्षों से यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। यह कार्यक्रम सामाजिक संस्था फलाहुल मुस्लिम सोनखरी व जमीयत ए उलमा ए हिंद के बैनर तले किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तौफीक अब्दुल स्तार साहब तथा विशिष्ट अतिथि के तौर पर भाजपा के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह, रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येन दास व बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी रहे। आए हुए सभी अतिथियों का राहुल मुस्लिमीन सोसाइटी के चेयरमैन मौलाना अहमद सिराज काजमी ने बुके देकर व माला पहनाकर स्वागत किया। हॉस्पिटल में मरीजों के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस भी चलाई गई और जल्द ही इस अस्पताल में मरीजों के लिए ऑपरेशन की व्यवस्था की जाएगी। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येन दास ने बताया कि यह कार्यक्रम इंसानियत और मानवता के लिए काम कर रही है। मेरी तरफ से पूरी कमेटी को आशीर्वाद है कि वह निरंतर वो ऐसा कार्य करता रहे और गरीबों की मदद करते रहे। फलाहुल मुस्लिम संस्था के चेयरमैन मौलाना अहमद सिराज कासमी ने बताया कि आज इस्लाम और मानवता के इस कार्यक्रम में लगभग 1000 कंबल का वितरण किया गया। चेयरमैन मौलाना अहमद सिराज अपने संबोधन के दौरान कहा, रामपुर बाजार बहुत बड़ी बाजार है और यह बड़ी बाजार होने के नाते पुरुषों और महिलाओं को शौच के लिए बड़ी दिक्कत होती है। उन्होंने कहा, रामपुर की जनता मुझे कहीं जमीन दे दे, मैं वहां शौचालय बनवा दूंगा। इस दौरान मौलाना सिराज अहमद ने आए हुए सभी मुख्य अतिथियों का धन्यवाद भी ज्ञापित किया। मैंने देखा है कि मंचों पर बैठ के इस्लाम की खूब तारीफ होती है। यहाँ जितने लोगों ने तकरीरें की सब ने इस्लाम के बारे में अच्छी राय दी, लेकिन एक आदमी ने नहीं कहा इस मंच से कि मुसलमान अच्छे। ये मुसलमानों को सोचने की जरूरत है कि मंच से तुम्हारे इस्लाम के बारे में कोई आदमी, मैं नहीं जानता हूँ कि कोई भी कमेंट करता होगा, 2-4% होंगे, लेकिन 95% ऐसे बड़े बड़े मंचों से लोग इस्लाम के बारे में अच्छी राय रखते हैं, लेकिन कभी नहीं बोलते कि मुसलमान अच्छी कौम है। ज्यादा से ज्यादा एक दो आदमी का नाम लेके बोल देते हैं कि मौलाना साहब बहुत अच्छे। किताबों में मौजूद है, किताबों में कौन सी किताब ऐसी है, वेद है, पुराण है, मनुस्मृत है, कुरान है, बाइबिल है, तौरेत है, जबूर है, किसमें लिखा है कि मानवता, मानवता नेचुरल चीज है, होता है हर साल 500 से 700 बढ़ता है, लेकिन इस बार जो है बजट है वो 1000 का बजट है। 1000 कंबल और सब डबल बांटे जाएंगे, थोड़े से 100 कंबल सिंगल हैं, लेकिन बहुत बेहतरीन क्वालिटी के कंबल हैं। ऐसा नहीं है कि वितरण का मामला है तो रजिस्टर्ड सोसाइटी है, यहाँ भी रजिस्टर्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी रजिस्टर्ड है, उसी के तहत जो है ये सारा कार्यक्रम होता है। जैसे एम्बुलेंस भी है उसी के तहत लाई गई है, और ये भी जो है प्रोग्राम भी उसी के तहत हो रहा है, सब कुछ उसी के तहत होता है। इंसानियत एक दो के अपनी ज़ात से हम किसी को तकलीफ नहीं पहुँचाएँ, मिनिमम दर्जा है, और अच्छा ये है कि अपनी ज़ात से दूसरे को फ़ायदा पहुँचाएँ। पूरे मानव सभी का ही उद्देश्य होना चाहिए कि सिर्फ अपनी ज़ात से तकलीफ़ ना पहुँचाएँ और दूसरे को फ़ायदा पहुँचाएँ, इसी का नाम इंसानियत है।